हे गाइज, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सोपी ऐप में बैंक अकाउंट डिटेल कैसे डालें। तो एकदम बिल्कुल डाल सकते हैं। कैसे डालना है तो इस वीडियो में पूरी अंत तक ले बना रही। इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सोपी ऐप में बैंक अकाउंट डिटेल कैसे डालें। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है कि सोपी ऐप को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइज कि सोपी ऐप ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसमें बैंक अकाउंट अपना डाल के कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइज कि सोपी ऐप ओपन हो चुका है। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि हम मे वाला अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो अकाउंट सेटिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड न्यू कार्ड, यानी कि एटीएम कार्ड जो है वो अपना ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट डालना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं। और ऐड यूपीआई भी यहाँ डालना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से अपना डाल सकते हैं। तो चलेगा जब हम बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं फुल नेम इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट में जो भी नाम है वो फुल आपको डाल देना है उसी तरह से। और बैंक नेम यानी कि बैंक का क्या नाम है वो बैंक का नाम यहाँ डाल देना है। और सिटी और ब्रांच नेम यानी कि कहाँ पर ब्रांच है वो ब्रांच नेम डाल देना है, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। तो चलिए गाइस हम यहाँ पर फटाफट से हम डाल देते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पर हम सारी डिटेल यहाँ डाल दिए। देख सकते हैं कि ऊपर नाम डाल दिए और बैंक का जो नाम है वो बैंक का नाम डाल देना है। और सिटी यानी कि किस सिटी में है वो सिटी आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। और ब्रांच नेम यानी कि किस जगह पर ब्रांच है उस जगह का नाम यहाँ डाल देना है। और आईएफएससी कोड डाल देना है और अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। और सही से आपको डाल देने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि डोंट का ऑप्शन आ रहा है, डोंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं योर फोन नंबर वेरिफिकेशन, यानी कि जो फ़ोन नंबर पर को ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ फिलअप कर देना है, यानी कि आपको डाल देना है। तो देख सकते हैं गाइस कि ओटीपी भी आ गया। ओटीपी आ जाने के बाद यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं वेरीफाई पर। तो देख सकते हैं गाइस कि जो मेरा अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग सोपी ऐप में अपना अकाउंट नंबर डाल सकते हो और ऐड कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।